क्या है इस्लाम? इस्लाम अरबी का शब्द है। इसका मतलब है शांति को अपनाना या उसमें प्रवेश करना। इस लिहाज से मुसलमान होने का मतलब उस व्यक्ति से है जो इंसान से लेकर परमात्मा तक सभी के साथ पूरी तरह शांति व सुकून भरा रिश्ता रखता हो। इस तरह इस्लाम धर्म का मूल स्वरूप यही है कि एक ऐसा धर्म जिसके जरिए एक इंसान दूसरे इंसान के साथ प्रेम और अहिंसा से भरा व्यवहार कर ईश्वर की पनाह लेता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। उनका जन्म सन 570 में हुआ माना जाता है। भारतीय इतिहास की नज़र से जब भारत में हर्षवर्धन और पुलकेशिन का शासन था तब हजरत मोहम्मद अरब देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस्लाम धर्म की बुनियाद कुरान, सुन्नत और हदीस हैं। कुरान वह पवित्र ग्रंथ है जिसमें हजरत मोहम्मद के पास ईश्वर के जरिए भेजे संदेश शामिल हैं। सुन्नत में मोहम्मद साहब द्वारा किए गए कार्य बताए हैं। वही हदीस ऐसा ग्रंथ है जिसमें मोहम्मद साहब के उपदेश शामिल हैं। यानी इस पवित्र ग्रंथ में मोहम्मद साहब के जीवन की बातों के अलावा सुन्नत भी शुमार है। इस्लाम धर्म की एक खासियत यह भी है कि इसे मोहम्मद साहब ने सोच विचार कर नहीं बनाया बल्कि इसका इल्हाम हुआ यानी समाधि की स्थिति में दर्शन हुआ। कुरान का मतलब भी बोली गई या पढ़ी हुई चीज या बात है। इस्लाम धर्म का मूल मंत्र। इस्लाम का मूल मंत्र है ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह के अलावा कोई और पूजनीय नहीं है और मोहम्मद साहब ही उनके रसूल हैं। यानी सच्चा मुसलमान वही होता है जो न केवल अल्लाह को माने बल्कि साथ साथ यह भी माने कि मोहम्मद साहब ही अल्लाह के पैगंबर, नबी और रसूल हैं। कुरान में वे आयतें यानी पद शुमार हैं जो मोहम्मद साहब के मुंह से उस वक्त निकले जब वे पूरी तरह ईश्वरीय प्रेरणा में डूबे हुए थे। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक ईश्वर ये आयतें देवदूतों के जरिए मोहम्मद साहब तक पहुंचाते थे। इन पवित्र आयतों का संकलन ही कुरान है। कुरान की आयतें पैगंबर को 23 सालों तक वक्त वक्त पर हासिल हुई जिनको उन्होंने कभी लकड़ियों तो कभी तालपत्रों पर संकलित किया। इन 23 सालों के दौरान पैगंबर 13 साल पवित्र मक्का और 10 साल मदीने में रहे। उनके बाद पहले खलीफा अबू बकर ने मोहम्मद साहब की संकलित इन सारी आयतों का संपादन किया व पवित्र कुरान तैयार की जो प्रामाणिक मानी जाती है। पैगंबर, नबी और रसूल। समाधि की अवस्था में इस्लाम धर्म के दर्शन होने से मोहम्मद साहब को पैगंबर, नबी और रसूल भी पुकारा जाता है। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम दे जाने वाला। चूंकि मोहम्मद साहब के मार्फत ईश्वर के संदेश धरती पर पहुंचे इसलिए वे पैगंबर माने गए। दिव्य ज्ञान को उजागर करने वाला नबी होता है। पैगंबर के भी ऐसा ही करने से वे नबी हुए। रसूल का मतलब भी भेजा हुआ या दूत होता है। मोहम्मद साहब भी ईश्वर और इंसानों के बीच धर्म के दूत बने। इस्लाम धर्म के 5 कर्तव्य। इस्लाम धर्म मानने वाले को 5 धार्मिक कर्तव्य पूरे करना जरूरी है। कलमा पढ़ना, ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। इस मूल मंत्र के जरिए यह मानना, स्मरण करना और बोलना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके रसूल हैं। एक ही ईश्वर को मानने का सिद्धांत यानी तौहीद की बुनियाद यही मूल सूत्र है। नमाज हर रोज 5 बार अल्लाह से प्रार्थना करना, इसे सलात भी पुकारा जाता है। रोजा रखना इस्लाम धर्म का पवित्र महीना होता है रमजान। इसमें महीने भर केवल सूर्यास्त के बाद एक बार खाना खाने का नियम पूरा करना। इस पवित्र महीने में ही कुरान के उतरने की मान्यता है। जकात सालाना आमदनी का एक नियत हिस्सा तकरीबन 2.5% तक दान करना। रहज इस्लाम धर्म के पवित्र तीर्थ स्थानों मक्का और मदीना की यात्रा।